पिपराइज विधायक महेंद्र पाल सिंह ने सोमवार को 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह का चरगावा में बनाए गए ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र पर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान पिपराइज विधायक महेंद्र पाल सिंह ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पिपराइज विधायक महेंद्र पाल सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुर्घटना में कमी लाने के उद्देश्य से यह सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जिससे कि लोग हेलमेट, सीट बेल्ट लगाएं, नशा करके वाहन ना चलाएं तथा यातायात के नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाते हैं, जिससे कि दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। अगर व्यक्ति ट्रैफिक रूल का पालन करे तो होने वाले दुर्घटना को रोका जा सकता है। इस अवसर पर आरटीओ अनीता सिंह, एआरटीओ श्यामलाल, चरगावा ब्लॉक प्रमुख रंजना सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आरटीओ अनीता सिंह एवं पिपराइज विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, इसी क्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से स्वागत अनुरोध करूंगा। भाई मोबाइल पीछे करें और मेरी मोटरसाइकिल नीचे गई और
संजोग ऐसा था कि उस समय इतना रस नहीं था, मोटरसाइकिल नीचे से फिर वो ऊपर होते हुए सड़क पर चढ़ गई और मैं बच गया। गाड़ी नीचे गई और सड़क पर चढ़ी और मैं बच गया। फिर आगे मैं आया तो जी एन नेशनल पब्लिक स्कूल के सामने बच्चों की छुट्टी हुई थी, इस साइड में एक प्राइवेट विद्यालय छुट्टी हुई थी और वहाँ पर आते आते मैंने एक्सीडेंट कर दिया और मैं गिरा, मेरे हाथ में टूटा, एकदम फिसल गया, चोट लग गया। वह जीवन की पहली घटना थी, लेकिन उसके बाद से आज तक मेरी गाड़ी में टच हुई, अगर उससे घट हुई दुर्घटना। क्योंकि जैसे अभी कर्नल साहब ने कहा कि दो ड्राइवर, मेरा ड्राइवर गाड़ी से जब चलता है बैठे हुए हैं, मैं एक तरह से ट्रक ड्राइवर का मैं काम करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी के स्टूडेंट को बताने नहीं देता हूँ। इस समय जैसे मेरे पास जैसे एक तो ये सही है कि आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, वो अगर राजदूत चलाएंगे तो उसकी स्पीड जैसे ही आप 40 के ऊपर जाएंगे उसकी स्टेयरिंग स्टेयरिंग काफी लगती है। अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे तथा दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे, कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे, हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन को देखेंगे न देखेंगे, हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा अपनी मदद करने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। जय हिंद जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सर्वप्रथम निर्णय हैं उसमें सबसे पहले ये भी है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन जन जागरूकता को कराया जाए, जन सामान्यों को कराया जाए। उसके क्रम में हमारे माननीय परिवहन मंत्री की जो है चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कराने के निर्देश दिए गए हैं शासन के द्वारा भी, जो 18 अप्रैल से हम लोग 24 अप्रैल का आयोजन किया तक आयोजन किया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में आज हमारे गोरखपुर जनपद में माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी आ रहे हैं उसका उद्घाटन करने, जिसमें किस तरह से हम सड़क सुरक्षा का के नियमों का पालन करके सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और इस सड़क सुरक्षा का जो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है उसमें कई विभाग के सहयोग से इसका कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, जिसमें PWD, ट्रैफिक, शिक्षा, रोडवेज, स्वास्थ्य, कई विभाग के स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के अधिकारीगण आके अपने बहुमूल्य अपने विचार यहाँ पे हमें प्रस्तुत करेंगे। साथ ही हम लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का जो शपथ है वो भी माननीय विधायक जी द्वारा सभी जन सामान्य को दिया जाएगा। सड़क सुरक्षा के माध्यम से मैं सिर्फ इतना संदेश देना चाहूँगी कि ये जो नियम बनाए जाते हैं थोड़े कड़े ज़रूर हैं, बट ये वो आपके जीवन की रक्षा के लिए हैं। अगर आप उनका अनुपालन नहीं करते हैं तो आपके जान माल का खतरा हो सकता है, आपका परिवार इसका भुक्तभोगी हो सकता है। तो थोड़ी सी लापरवाही ना बरत के आप अपने लिए संवेदनशील हो जाइए, अपने परिवार के लिए थोड़ा सतर्क हो जाइए, कुछ जिम्मेदारी का एहसास कर लें ताकि इन सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन, जैसे आप सीट बेल्ट चला लीजिए, गलत दिशा में वाहन का बिल्कुल नहीं उपयोग करेंगे, कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइविंग की व्यवस्था बिल्कुल नहीं ड्राइव करेंगे जिसकी वजह से आपको भी पता है कितनी व्यवस्था हो जाएगी। इन नियमों के साथ साथ अपने वाहन को किस तरह से टेक्निकली फिट किया जाएगा, कभी कभी रास्ते में टायर फट जाता है, तेल नहीं रहता है, आपके ल्यूब्स ऑयल ख़त्म हो जाते हैं, इन सब पे भी बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि आप मेनली तो आप उसी से चल रहे हैं, पहले उसका ध्यान रखें, हेलमेट पहन के अपनी गाड़ी वैध कागजात के साथ आप वाहन चलाएंगे, यही आपके आपके जन माल की सुरक्षा करेगा।
जो सड़क सुरक्षा के नियमों का नहीं पालन करते हैं उनके द्वारा हम जुर्माने की व्यवस्था है, उनको दंडित करने की भी व्यवस्था है। पहले तो हम उनको जन जागरूकता के माध्यम से जो तरह तरह के प्रोग्राम होंगे उनको जन जागरूक करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। अन्यथा सप्ताह में कई दिन ऐसे हैं जिसमें हमें सीट बेल्ट हेलमेट के प्रति अगर कोई जागरूक नहीं है उसका भी अभियान चलाया जाएगा, गलत दिशा में नहीं चलाए, ओवरलोड नहीं चलाए, इन सब कई मुद्दों पर हम लोग उनके ऊपर जुर्माने और जुर्माने की व्यवस्था है, दंडित करने की व्यवस्था है। देखिए, सड़क सुरक्षा जो सप्ताह का कार्यक्रम है ये RTO के द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पर ITI स्कूल के जो बच्चे हैं उन बच्चों को 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और सुरक्षा जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सड़क पर चलें तो यातायात के नियमों का पालन करें, हम अपने भी सुरक्षित रखें और औरों को भी सुरक्षित रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से जब वो ट्रेनिंग लेकर के जाएंगे तो उस नियम का पालन करेंगे और मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ा यह ट्रेनिंग है, ये जो है होना भी चाहिए, लोगों को जागरूक भी करने की ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जानकारी के अभाव में दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, तो इस तरह का जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया मैं बधाई देता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी को और RTO विभाग के अपने जो अधिकारीगण हैं, मैं सबका आज के इस कार्यक्रम को कराने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए मैं सबका धन्यवाद भी सबको देता हूँ।